एक्साइटेड ओ माय गॉड भाई साहब कतई बॉल भाई रे क्या गजब लग रहा है यार ये ऐसा लग रहा है कोई नीले कलर की बॉल किसी ने हवा में उड़ा दी हो भाई साहब फ्लाइंग बॉल लग रही है माइंड ब्लोइंग यार मजा आ गया यार आज तो हेलो फ्रेंड्स एक बार जो आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस ताबड़तोड़ और बहुत ही ज्यादा गजब वाले कलेक्शन में क्योंकि आज आपके लिए भाई एक आठ टायर वाला लेकर आया है मोस्टर ट्रक जो भाई साहब ये मोस्टर कार जो काफी ज्यादा मेजिक साथ में अगर आपने भाई बम्बल बी वाली पिक्चर देखी मूवी देखी है तो भाई ये वो ही वाली कार है रोबोट वाली जो काफी ज्यादा अगड़ी होने वाली है तो यार ये देखो भाई ये इस तरीके से ना एक शैडोल कमेरों वाली गाड़ी बनी रहती है उसके बाद भाई ये बम्बल बी में बदल जाती है यानी कि एक रोबोट में बदल जाती है चलते फिरते में जो भाई देखो यार कितना ज्यादा खतरनाक लगता है ये और भाई ये जो है ना एक रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी है यानी कि काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि ये आरसी वाली कार है जो कि भाई रोबोट कार बन जाती है और ये इस तरीके की एक पैकेजिंग में आती है जिसका डब्बा आप देख सकते हो कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई ये तीन डिग्री पर भी घूमती है और भाई इतना ही नहीं आज एंड में जिन दस लोगों को शॉर्ट आउट मिलेगा उनमें से किसी एक को मिलने वाला है भाई आप लोगों की डिमांड पर एक बार फिर से वाला हेलीकॉप्टर जो प्रॉपर मेटल का बना हुआ है और इसका सबसे जो तगड़ा फीचर है वो है भाई थ्री डी यानी कि भाई ये ना एक टाइम की ऊंचाई पर जाकर के भाई ये अपने आप जो है ना 360 डिग्री में घूमने लगेगा गोल गोल चक्कर मारेगा मतलब कि आप जो है ना भाई अपनी चाय वगैरह की चुस्कियां वगैरह मार के आना बड़े आराम से और ये पता तब भी उड़ता रहेगा क्योंकि एक हाइट पे जाने के बाद उड़ता रहता है और इसके अंदर भाई देखो एक मोटर ये लगी और एक मोटर इसके अंदर है यानी कि ये भाई डबल डबल मोटर के साथ चलता और यार ये काफी ज्यादा बड़ा साइज में और ये देखो यहां से लेके ये यहां तक पूरा का पूरा मेटल का है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉंग है और ये देखो भाई हेलीकॉप्टर का इस पर साइन और मार मुझे पता सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि भाई इसको आप बड़े आराम से कैरी करके ना कहीं पे भी लेके आराम से जा सकते हो इसका बॉक्स देखो यार कितना बड़ा है मतलब कि इसने यहां से लेके यहां तक हमारा पूरा कलेक्शन रख लिया है तो भाई किसी दस में से एक बंदे के होने वाले बल्ले बल्ले तो यार चलो भाई आज सबसे पहले हम शुरू करने वाले अपनी रोबोट वाली बम्बल बी कार से तो यार ये ले लिए भाई हमने अपनी ट्रांसफॉर्मर वाली बम्बल भी कार जो काफी ज्यादा सुंदर लगती है और ये देखो भाई कुछ

और एक एरी दोनों की दोनों ये लाल कलर की अभी जब ये मैं अंधेरा करूंगा तब आप देखना और भाई इसका चेहरा देखो एकदम हु भाई इन्होंने एकदम सेम बनाया बम्बल की तरह और भाई ये चलते चलते जब ये लेटेगी ना गाड़ी तब तो आप देखना यार बहुत प्यारा लुक आने वाला भाई तो इसको यार हाथ से जबरस्ती नहीं करेंगे हम इसका एक बार मैं आपको रिमोट कंट्रोल भी दिखाईता हूँ तो इसके साथ आता भाई कुछ इस तरीके का रिमोट कंट्रोल जो इसको आगे पीछे करता है और दाय बाएं चलाता है और उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिफॉर्मेशन हो जाती है यानी कि भाई इसका जो सिग्नल है काफी ज्यादा तगड़ा पकड़ने वाली है ये एंटीना काफी ज्यादा बढ़िया है और इसकी सबसे यूनिक चीज क्या है कि इसके अंदर ना जो सेल डालने वाला कंपार्टमेंट दिया ना बैटरी डालने वाला ये मुझे बड़ा पसंद आया तो ये देखो ये ना कुछ इस तरीके से यूनिक स्टाइल में है मतलब एक डबल ए बैटरी यहाँ पर डलेगी और एक यहाँ पे तो इन दोनों में जो है ना बैटरी डालने के बाद इनको भाई कस के आपको स्क्रू ड्राइवर से ना कस लेना है और इन दोनों को अच्छे से कसने के बाद जो भाई ये इसको आप ऑपरेट कर सकते हो और इसके अंदर पता देखो लाल लाइट जलती है और ये आगे बढ़ जाएगा ही दबाऊंगा तो देखो ये मैंने ये आगे को हो दवाया कोई जैसी ये पीछे हो गया तो भाई इसने मेरा सामान फैला दिया इसको वापस इसकी जगह पे रख देते हैं तो इसको इसका होने वाला तो आ जाओ मेरे साथ लाइट हमारी तो ट्रांसफॉर्मर कार बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है ये देखो ओ यार, क्या रोबोट बनी है <laughs> कितनी क्यूट लग रही है और जो इसका साउंड आ रहा है यार वो भी इतना गजब और इसकी लाइट्स माइंड ब्लोइंग है यार मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अंधेरे में कितनी खूबसूरत लगेगी ये देखने में यार क्या लग रही है यार ये सचमुच में भाई मतलब शहरों कमेर एक तो वैसे ही बहुत खूबसूरत गाड़ी है ऊपर से यार ये जो रोबोट है ना बम्बल ये देखो क्या ये थ्री सिक्सटी डिग्री स्पिन कर रही है यार मतलब कमाल है भाई साहब और इसकी स्पीड ना वाकई में यार काफी तेज है मतलब खड़ियों के भी चल लेती है और ये जब गाड़ी अपने आप में बन जाती है ना तो यार ये कार में भी चल लेती है जैसे मर्जी इसको चला लो काफी ज्यादा गुड लुकिंग लगती है और देखने में बहुत प्यारी और ये देखो यार इसकी लाइट्स माइंड ब्लोइंग यार गजब है यार ओ भाई साहब मतलब कि भाई मैंने ना वाक्य में सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा

और जो बनने के बाद गाड़ी इतनी खूबसूरत गाड़ी लगती है मैं आपको क्या बताऊं ये देखो इधर से इसका इंजन जैसा दिखता है बट ये एक्चुअल में भाई इसका सर था तो यार इसीलिए ना भाई मुझे ये गाड़ी पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि यार ये रोबोट वाली जो गाड़ियाँ होती है ना मुझे बहुत ही ज्यादा बात है तो यार अगर आपको भाई ये रोबोट वाली कार पसंद आई हो तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे आगे लिख लिख देना देना और उसके रोबोट कार ताकि मैं जो आपको ये ट्रांसफॉर्मर वाली रोबोट कार गिव अवे कर सकूं तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर तो भाई अब बारी आती है हमारी आरसी हेलीकॉप्टर की जो कि रात में एलईडी टॉर्च के साथ भी चलता है और भाई हमारा डोरेमोन का ड्रोन लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारा मोस्टर ट्रक तो यार ये एक बार इसका भाई लुक देखो इसका मोस्टर कार का और पता सबसे अच्छी चीज इसके अंदर क्या लगेगी आपको भाई ये जो है ना देखो यार ये पता लेफ्ट राइट में हो जाता है और इसके आगे का जो शोकर है ना सारे के सारे चलते हैं और ये पीछे वाले भी इसके शोकर चलते हैं और ये सबसे लास्ट वाले भी चलते हैं यानी कि इसके अंदर टोटल अगर छह टायर दे रखे हैं ना पीछे तो भाई इनके छे के छोकर चलते हैं और ऊपर इन्होंने भाई ये भी दे रखा है यानी कि दो इन्होंने सेफ्टी टायर भी दे रखे हैं और ये एक अपने आप में इन्होंने फ्यूल टैंक बना रखा जो भाई बड़े लोगों के लिए काफी ज्यादा काम आता है क्योंकि फ्यूल चौबीस घंटे रहेगा तभी गाड़ी चल पाएगी और आगे इन्होंने प्लास्टिक की हेडलाइट्स वगैरह बना रखी है और अंदर दो सीट बना रखी है ताकि जो इससे स्टंट वगैरा कर सके यार ये वाक्य में पता है गाड़ी ना मेरे साथ साथ तुम लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है तो भाई इसको फटाफट से ना यहाँ से ऑन करने वाले हम ताकि इसकी बैटरी हम डाल सके और इसके बाद हम इसको ऑन करेंगे तो भाई इसकी बैटरी भी कुछ इसी तरीके से कनेक्ट करनी है जैसे कि हमने अभी अपनी रोबोट वाली कार की करी है और उसके बाद जो है आपको इसको, इसको स्क्रू ड्राइवर से भाई सही से कस देना है और अब उसके बाद भाई ये ऑन ऑफ के बटन से इसको हम ऑन कर लेंगे और अभी भाई मैं तुम लोगों को ना जादू दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा तो भाई ये जो है ना कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है और ये ग्रीन कलर में भी आती है ब्लू कलर में भी आती है और ये ऑफ रोड वाली कार है जो कि रॉक क्लाइंबिंग कर लेती है और ये 50 डिग्री तक यानी कि भाई किसी भी आराम से 50 डिग्री की ऊंचाई पर बड़ी आराम से चल लेती है और ये स्टंट वगैरह भी करती है और इन्होंने भाई पीछे डिटेल दे रखी है कैसे सेल डालने हैं कैसे इसके रिमोट कंट्रोल को यूज करेंगे तो भाई सबसे पहले मैं आपको इसका रिमोट कंट्रोल दिखाएता हूं तो यार रिमोट कंट्रोल तो काफी ज्यादा सेक्सी बना रखा है इस पे स्पीड लिख रखा है इन्होंने और भाई ये दाएं बाएं जाने के लिए आगे पीछे जाने के लिए इन्होंने बटन दे रखे और इसका एंटीना काफी ज़्यादा लंबा है 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 ताकि ये ये जो जो ना ना नेटवर्क पकड़े और इसके इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ भाई भाई मुझे ये लगी कि कि रिमोट कंट्रोल में जो सेल है न, वो एकदम ऐसे जैसे गोली डालते है न, सेम वैसे जाएगा ये। तो भाई इसके अंदर जो हमने अपनी दोनों बुलेट को लोड कर लिया और उसके बाद इसको अच्छे से भाई हम ये देखो, ऐसे और अब जो है ना इसका अगर ऑन ऑफ का पता करना है तो भाई इस बटन को दबाना है तो इसके अंदर ना भाई रेड लाइट जलेगी देखो इसके अंदर लाइट जल रही है और हमारी इस गाड़ी के देखो पहिए भी चल रहे हैं और ये देखो इसके चारों के चारों पहिए चल रहे हैं पीछे के यानी कि भाई ये जो इसकी नीचे वाली मोटर है ना ये वाली और ये वाली ये दोनों मोटर अलग अलग काम कर रही हैं और ये पता भाई फोर बाई फोर व्हीकल है यानी कि ये चारों पहियों पे अलग अलग चलती है और ये भाई लेफ्ट राइट करती है इस वाले बटन को घुमाने पर ये देखो ऐसे घुमाएंगे तो भाई ये राइट में चल जाएगी ऐसे घुमाएंगे तो लेफ्ट में जाएगी तो यानी कि भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है तो यार आप लोगों ने ही कहा था और इसीलिए जो है आज, आज आपकी डिमांड पूरी होने वाले क्योंकि आज के इस कलेक्शन में ऑफ रोड वाले भाई साहब मोस्टर कार से लेके एक हमारे पास आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट वॉच रोबोट कार डोरेमोन ड्रोन सब कुछ होने वाला है तो इसीलिए जो है ना भाई बहुत मजा आएगा तो यार इसको लाइव चलाने वाले हैं तो भाई आ जाओ मेरे साथ इसको हम रोड पे भी चलाने वाले हैं और उसके बाद भाई हम इसको ऑफ रोडिंग में भी चलाएंगे तो सबसे पहले यार इसको हमने चलाया पचास डिग्री वाली चढ़ाई पर चढ़ा दिया और ये बड़े कमाल तरीके से चढ़ भी गई और ये देखो डलान पे तो आते समय ऑटोमेटिक इसकी स्पीड बढ़ गई और इसको ना ब्रेकर से उतारने वाले और इसको हम क्लोज अप देखेंगे ओ माइंड ब्लोइंग और इतनी असली लग रही है ये क्या होता मैं आपको भाई खाबड़ में आ गए हैं यानी गई पे ना पता से भी गिराएंगे। एक बार देखेंगे कि क्या होता है। और भाई ये तो उतर तो 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 गई अरे यार ये तो काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग निकली भाई मैंने इसको भाई रोड पे चलाया घास में चलाया हर जगह चला के देख लिया ये काफी ज्यादा अच्छी थी भाई साहब मतलब बहुत ज्यादा मजेदार है वाक्य में यार और इसके पता सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो इसके टायर पे आप ये देख रहे हो ना थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई है यार अगर आप इसको ब्रश से साफ करोगे ना तो साफ हो जाता है क्योंकि ये ना रबड़ के बने हुए हैं और ये भाई पंचर वगैरह नहीं होंगे ना ये खराब होंगे क्योंकि मैंने इसको रोड पे चला के देखा और इसको ब्रेकर से भी कूदाया काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कूदी थी ये और भाई ये वाक्य में मुझे बहुत ही ज्यादा औसम लगी और ये कतई बवाल है भाई अपने आप में क्योंकि ये एक मोस्टर ट्रक है मोस्टर कार जिसे कहते हैं भाई साहब बहुत ज्यादा बवाल है और इसके अंदर भाई यहाँ पे भी मोटर लगी हुई है इधर भी मोटर लगी हुई है इधर भी मोटर लगी हुई है मतलब एक गाड़ी को संभालने के लिए इसमें तीन तीन मोटर है और ऊपर से इसके अंदर बैटरी अलग डलती है यानी कि भाई चार चीजें मिलके इसको हैवी से हैवी चीजें पर ट्राई करती है अगली बार जो है ना भाई मैं इसके ऊपर एक ईट वगैरह रख के ट्राई करने वाला हूँ फिर से टक्कर मार के देखेंगे कि भाई इसमें कितनी जान है वैसे तो भाई ये सह लेगा मेरे को पता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाली ताकत है और भाई साहब बहुत पावरफुल है यार मतलब कतई बवाल भाई साहब मजा आगे इसे देख के तो यार अगर आपको भी ये पसंद आए तो आपको लिखना है अपना नाम उसके आगे बवा लगा देना उसके आगे लिख देना ऑफ रोड कार ताकि मैं जो आपको ये ऑफ रोड वाली आरसी कार गिव अवे कर तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर तो यार अब बारी आती है हमारे एक आरसी हेलीकॉप्टर की जो कि स्काई वालों की तरफ से आता है और आगे से इसका लुक एकदम आयरन मैन के हेलमेट की तरह अगर ये लाल होता तो भाई प्रॉपर ये आयरन मैन का हेलमेट लगता और ये भाई एच एक्स सेवन थर्टीन यानी कि बाइस एस का सात सौ तेरह मॉडल नंबर है और ये जो एलईडी लाइट है ना जब आप ये रात में उड़ाओगे तो ये बहुत तेज की जलती है जिसके पता चलता है कि हाँ भाई हमारा हेलीकॉप्टर जो है कहां पर उड़ रहा है इसके अंदर भाई चार प्रोपेलर देखने के लिए मिलते हैं जिसको हम हिंदी में भाई पंखुड़ी भी बोलते हैं और ये जो है ना भाई ये मेटल की टिप दे रखी है इन्होंने ताकि अगर ये टक्कर खाए तो भाई ये टूटे ना इसलिए इन्होंने बीच में भी मेटल लगा रखा है इसी की मदद से ना जब भी दीवार से टकराते हैं किसी भी पेड़ से टकराते हैं तो नीचे गिर जाते हैं तो ये इसीलिए नहीं टूटते क्योंकि ये बीच में भाई इन्होंने मेटल का बना रखा है और ये जो है ना ये भाई प्लास्टिक का है लेकिन इन्होंने इस पर फिनिशिंग जो है मेटल की दे रखी है और ये वाला जो हिस्सा है ये मेटल का है, तो भाई काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है ये और ये है इसका चार्जिंग वाला स्लॉट और ये जो छोटा सा देख रहे हो आप नन्ना सा ये इसका ऑन ऑफ का बटन है ये देखो ये जैसी मैंने इधर को खिसकाया ये हो गया ऑन और इसकी भाई टॉर्च की लाइट करना आप अंदाजा लगा लो कि रात में कितनी तगड़ी जलने वाली है ये तो भाई मैं आपको इसका चार्जर भी दिखा देता हूँ ताकि भाई जब ये आपके पास पहुंचे तो भाई आप इसको फुल चार्ज करके आराम से उड़ा सको और सबसे अच्छी चीज इसका रिमोट कंट्रोल यार इतना गुड लुकिंग है ना और इतना है मैं आपको क्या बताऊं तो एक बार भाई इसका रिमोट कंट्रोल देखो तो ये हमारा स्काई मैक्स वाला जो हेलीकॉप्टर है जो कि टोटली रिमोट कंट्रोल है भाई ये है एच जो ब्लैक कलर में है और इसका भाई मैं रेड कलर भी जल्दी मंगाने वाला हूँ और भाई बड़ा वाला मंगाऊंगा छोटा नहीं एकदम बड़ा सा मंगाएंगे जो यहाँ तक होगा कम से कम ये यह यहाँ पर खत्म है तो हम ये यह यहाँ तक मंगाएंगे इतना बड़ा मंगाएंगे और ये भी भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये देखो इधर को मैंने पलटा तो इसका चार्जर इधर आ गया चलो इसी बहाने से मैं आपको भाई इसके अंदर का चार्जर दिखा देता हूँ तो ये इसका चार्जर है और इसके अंदर जब आप चार्ज करोगे ना तो भाई लाल लाइट जलती है रेड कलर की और जैसे वो भुज जाए तो समझ लेना आपका हेलीकॉप्टर भाई पूरा चार्ज हो चुका है और उसके बाद आप इसको कम से कम भाई 20 से 25 मिनट तक नॉन स्टॉप उड़ा सकते हो और इसको पिन को आपको लगाना कैसा है ये आप ध्यान से लगाना भाई सबर से लगाना नहीं तो जो है ना भाई इसकी पिन टूट जाएगी तो इसको आपको जो है ना भाई इस तरीके से बड़े आराम से लगाना और ये देखो ये हो चुका है इसके अंदर अच्छे से कनेक्ट तो उसके बाद जो है आप इसको अपना पूरा चार्ज कर लेना और अब भाई मैं आपको इसको रिमोट कंट्रोल दिखाता हूं तो यार ये है इसका रिमोट कंट्रोल जिसको रेडियो कंट्रोल के नाम से भी जानते हो ये टोटली वायरलेस है मतलब इसमें कोई एंटीने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर इंफ्रा टेक्नोलॉजी लगी हुई है जो ये आगे के लाल बल्ब होते हैं ना जो रेड कलर में जलते हैं भाई ये एक दूसरे से बहुत अच्छा नेटवर्क पकड़ते हैं और ये काफी ज्यादा गुड लुकिंग है भाई इसको कहते हैं रिमोट कंट्रोल कितना बढ़िया रिमोट कंट्रोल दे एकदम हैवी मतलब इतना बड़ा तो भाई साहब नहीं होगा जितना बड़ा ये रिमोट है और भाई ऐसा पता लग रहा है कि इसके अंदर काफी सारे सेल लगने वाले हैं क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग रहा है इसमें पांच से छह तो लगेंगे ही लगेंगे तो चलो इसको खोल के इसके अंदर जो है भाई डबल ए बैटरी डालते हैं तो यार अब हमने भाई अपनी डबल ए बैटरीज ले लिया है और इसके अंदर भाई हम एक एक करके जो है सारी की सारी बैटरीज लगाने वाले हैं तो यार ये देखो एक दो तीन और अब इसके अंदर ये भाई ये चौथी बैटरी लग गई ये रही पांचवी और ये रही छठी बैटरी तो भाई के अंदर छः बैटरी लगी है इसका मतलब ये कि भाई अगर इसने इतनी ज़्यादा पावर खाई है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है बहुत अच्छे से उड़ना चाहिए क्योंकि छः सेल की पावर काफी ज्यादा होती है भाई बहुत ज्यादा क्योंकि जब दो सेल पूरा का पूरा एक दो महीने निकाल देते हैं टी चलाने में तो यार ये छः सेल है तो कम से कम भाई बीस मिनट तक ये उड़ना चाहिए और बहुत अच्छे से उड़ना चाहिए और काफ़ी ऊंचा भी जाना चाहिए तो चलो भाई इसको ना टेस्ट करते हैं और इसको भाई मैं बंद कर देता हूं तो स्क्रू ड्राइवर से मैंने इसको कस दिया है और मैं अब आप आपको बताता हूं कि इसको आपको कनेक्ट कैसे करना है तो सबसे पहले जो है ना हम इसको ऑन करेंगे और जैसे इसके अंदर एलईडी लाइट जल जाएगी आप समझ जाना कि ये ऑन हो चुका है और भाई एक छोटा सा डैम तो हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं तो इसको जैसे ऑन करोगे यहाँ पर भी एक इसके अंदर रेड लाइट जलेगी ये जल गई अब इसको भाई देखो धीरे धीरे जैसे हम करेंगे ओ माई गॉड ये देखा आपने एक बार और देखते हैं ओए ओ माई ब्लोइंग यार कमाल की चीज है मुझे लग रहा है इसको ना यहाँ पर ना उड़ा करके हमें इसको बाहर लेके जाना चाहिए और हो सका तो भाई मैं आज ना इसको घर की जगह बाहर लाऊंगा तो चलो यार एक बार एक काम करते हैं भाई ग्राउंड में चलते हैं पार्क में बहुत मजा आएगा पार्क में आओ भाई मेरे साथ लाइव धीरे में यार ये जो उड़ रहा है ना मतलब की इसकी रोशनी तक दिख रही है पता चल रहा है कि हाँ ये उड़ रहा है और दिन में तो भाई साहब इसकी पंखड़ियां देखोगे ना फटफट फट फट करके जो ये उड़ रहा है क्या बात है मतलब अमेजिंग ये नीचे गिरने के बावजूद दोबारा उड़ जाता है यार कमाल है यार बड़ा इंटरेस्टिंग है <laughs> तो यार मैं तुम्हारे साथ पता एक चीज़ शेयर करता हूँ जो छोटे बच्चे थे ना उनके साथ तो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा मजा आ रहा था क्योंकि वो भाई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे वो खुद भी इंजॉय कर रहे थे और उनके साथ मैं भी इंजॉय कर रहा था बट लेकिन जो यार वहां पर बच्चे बैट बॉल खेल लेते ना तो यार उनकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो इस वजह से जो है इतना ज़्यादा मैं इसको नहीं उड़ा पाया लेकिन मैं फिर भी भाई मैंने प्रोपर कोशिश करी और मैंने बहुत अच्छे से इसको उड़ाने की कोशिश करी जितना मेरे को आता था और यार ये जो उसकी स्टील की पंखड़ियां हैं यार ये वाक्य में काफ़ी तेज है और भाई पता

RC मैं जो आपको इसको कर सकूं और अपना एड्रेस जरूर डालना ताकि तो इलेक्ट्रिक तो वाली गन की जो काफी ज्यादा गुड लुकिंग है और इसकी पता सबसे अच्छी चीज क्या है कि भाई इसके अंदर से ना जो असली वाली मैगजीन होती है वो बाहर आती है तो भाई एक चीज देखो जैसे आप ये वाला बटन दबाओगे तो भाई ये जो मैगजीन है अपने आप बाहर आ जाती है और आवाज भी बहुत प्यारी आती है और इसके अंदर भी भाई तीन डबल ए बैटरी डलती हैं तो चलो भाई इसके अंदर बैटरी डालते हैं और उसके बाद भाई मैं ना आपको ऐसे लोड करके दिखाऊंगा तो आपको जो असली वाला फील आएगा और ये भाई इसके अंदर दो बटन दे रखे हैं एक बार ये आगे होगी तो इसके अंदर थ्री लाइट चलेंगी और जब ये बिल्कुल आगे हो जाएगी यानी कि दूसरे मोड पे चली जाएगी तब इसके अंदर थ्री म्यूजिक चलेगा प्लस में इसके अंदर थ्री लाइट्स भी चलती हैं और एक एक गरारी ये घूमने वाली है और इसका साइज पहले बता दूं भाई ये इतनी बड़ी है ये गन यानी कि भाई साहब ये यहां तक है मतलब मेरी यहां फिंगर से लेके ये यहां तक इतनी बड़ी गन है काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है तो चलो भाई इसकी जो मैगजीन है इसके अंदर भाई हम अपनी तीन बुलेट डालने वाले हैं तो भाई ये जो हमारी मैगजीन है इसको भाई आपको इस तरीके से खोलना है और उसके बाद ये देखो एक बुलेट और ये दूसरी बुलेट और ये हमारी इसके अंदर डलने वाली है भाई तीसरी वाली गोली तो ये इसके अंदर हमने भाई अपनी तीनों गोलियां डाली और इसके बाद इसको भाई स्क्रू ड्राइवर से कस देना है तो यार ये आप देख ही सकते हो इसको स्क्रू ड्राइवर से मैंने काफी अच्छे तरीके से कस दिया और उसके बाद भाई इसको इस तरीके से लोड करना है और ये काफी ज्यादा अच्छा साउंड निकालने वाले तो भाई इसके अंदर आप देख सकते हो देखो लाइट जलनी इसके अंदर शुरू हो गई है तो भाई इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको मैं आपको भाई लाइट्स ऑफ करके दिखाने वाला हूँ काफी ज्यादा मजा आने वाला और ये पता भाई साउंड निकालेगी दूधू दूधू करके और इसके आगे थ्री डी डायनामिक लाइट भी जलेगी जो आगे से देख रहे हो ये देखो यार एक बार मतलब क्या पोज बनाना कितना सुंदर लग रही है तो चलो भाई इसको लाइव देखते हैं और लाइट्स को करते हैं ऑफ भाई ये देखो ये कर लिया हमने ऑन और इसके अंदर भाई देखो लाल हरी नीली गुलाबी भाई कितनी अलग अलग तरीके की लाइट जल रही है और ये आगे से बहुत तगड़ी फ्लैश मार रही है कि इसके अंदर आप देखो वाटर गेम से लेके बैटमैन वाली ट्रांसफॉर्मर वाली रोबोट वॉच तक देख सकते हो बड़ी आसानी से हमारा स्पाइडरमैन वगैरह इसमें हर एक चीज दिख रही है और अब जो है ना भाई इसको मैं करने वाला हूँ एक लेवल और आगे तो इसको कर लिया भाई हमने ऑन और अब इसके अंदर से आएगी आवाज ये देखो एक एक इसकी भाई गरारी चल रही है संतरी कलर की हरे कलर की गुलाबी कलर की नीले कलर की बैंगनी कलर की और पीले कलर की एक दो तीन चार पांच यानी कि इसके अंदर भाई छे अलग अलग रंग की जो है ना गरारियां दे रखी है और भाई ये वाइब्रेट कर रहा है इस तरीके से आवाज आ रही है देखो है ना आपको भाई वाइब्रेशन महसूस हो रही होगी और ये नीचे भाई इतनी खिलडी लाइट्स दे रहा मैं आपको क्या बताऊँ लाल हरी नीली पीली भाई हर एक तरीके की इसके अंदर से लाइट आ रही है और यार ये आगे से भाई काफी ज्यादा सुंदर लग रही है गन तो यार वाक्य में काफी ज्यादा दम है इसके अंदर भाई मानना पड़ेगा तो यार लाइट्स को करते हैं ऑन तो देख रहे यार, मतलब दुदू दुधु दु दूध -दु 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 की इसके अंदर से आवाज आ रही है तो काफी ज्यादा अच्छी है और यार ये जो इसकी गरारी चलती है ना जब काफी ज्यादा मजा आता है यार ये देखो मतलब एक एक इसकी गरारी जल रही है जो काफी ज्यादा सुंदर बनाती है भाई इसको तो भाई पर्सनली मैं अगर आपको बताऊं आपके साथ अगर भाई मैं शेयर करूं तो मुझे ये गन काफी ज्यादा अच्छी लगी मतलब यार ये इतना ट्रांसपेरेंट बना रखा इन लोगों ने इसको ये देख रहे हो इसको प्लास्टिक का जो एक भाई ये कांच है इन्होंने इतना ज्यादा बढ़िया बनाया इसको कि इसके अंदर के सारे अंजर पंजर जो पुरजे पुरजे सब एक एक दिख रहे हैं वो भी बारीकी से और इसकी जो आवाज है देखो यहां से आ रही थी ये जो चार छेद दिख रहे हैं ये इसके साउंड की जगह थी तो भाई इन्होंने डिटेल में काम कर रखा है एकदम असली वाली गन लग रही है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आगे से तो भाई साहब बहुत प्यारा लुक देती है तो एक ही चीज कहूंगा भाई मैं ये ना कला माइंडेड तो भाई ये जो है पर्सनली मुझे तो काफी ज्यादा अमेजिंग लगी अगर आप लोगों काफी ज्यादा पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे लिखना है और उसके आगे लिखना है गियर गन ताकि मैं जो हूं आपको एक गरारी वाली गन को गिव अवे कर सकू तो इसको रखते है इसकी जगह पर और मैं एक बार आपको इसका बॉक्स दिखाईता हूं जो कि भाई ये रेड कलर की जो हमने ले रखी है ये लाइट गेयर गन ये लाल कलर में भी आती है और प्लस में भाई साहब ये आती है ब्लू कलर में भी और इसका ब्लू कलर भी काफी ज्यादा तगड़ा है बहुत ज्यादा भाई गुड लुकिंग लगता है देखने में ना कतई मतलब बवाल चीज है यार ब्लू कलर भी मैं आपको इसका दिखाऊंगा किसी दिन आप वाक्य में बोलो कि यार वाक्य में क्या चीज है तो भाई अब इसके बाद डायरेक्ट हमारी बारी आने वाली है योयो -यो की और हमारी रोबोट वॉच की लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ डोरे का भाई साहब ड्रोन जो काफ़ी तेज उड़ने वाला है और डोरे का स्पिनर भी लेकिन उससे पहले एक चैलेंज है आपके लिए जो मैं हमेशा लाता हूँ ये वाली वाटर गेम जो कि भाई एक एप्पल के आईफोन की तरह बनी हुई है और यहाँ से इसको रबड़ को निकाल के आप इसमें पानी भी भर सकते हो अगर इसमें पानी कभी कम हो जाए हर बार जो मैं चार से पाँच सेकेंड में भाई वाटर गेम को जीत लेता हूं लेकिन इस वाले चैलेंज में भाई क्या कठिनाई है कि इसमें दो की जगह मिलते हैं भाई तीन यू शेप वाले ये भरने के लिए तो ये जो बॉल है ना ये जो आप देख रहे हो भाई सफारी ब्राउजर के पास म्यूजिक के पास कॉल अटेंड करने वाला ये भाई क्रोम वगैरह यूट्यूब इसके अंदर जितनी भी चीज दे रखी है सबकी सब, सब एकदम रियल बना रखी है और ये इसको आप इस पॉकेट वगैरह में रख सकते हो ऊपर वाली जेब में रख सकते हो और भाई कहीं पर आप जा रहे हो चाहे बस से ट्रैवल कर रहे हो चाहे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो आप इसके साथ काफी ज्यादा इंजॉय कर सकते हो तो भाई चलो इस चैलेंज को शुरू करते हो भाई मैंने गिनती गिनना शुरू करता हूँ पांच लेता मैं तो देखते हैं कि हम इसको कितनी देर में मैं भर पाता हूं तो भाई एक दो तीन चार और ये भाई साहब हो गया हमारा पांच ओ क्या बात है तो भाई पांचवे में भी हमारी आ गई तो ये एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस माइंड ब्लोइंग भाई ये जो है आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने किसी शेप वाले में दस बोले भर दिए हैं यानी कि दस गेंद एक बार में आ गई है वो भी सिर्फ पांच सेकंड में तो यार अगर आपको ऐसा लगता है ना भाई मुझे नहीं लगता कि ये वाला रिकॉर्ड कोई मेरा तोड़ सकता है हालांकि काफी सारी वाटर गेम मैं ऑलरेडी गिव अवे कर चुका हूं लेकिन भाई आज तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है अगर तुम लोगों को लगता है कि भाई तुम जो है मेरे साथ ज्यादा भर सकते हो चाहे इसमें पांच भर लो चाहे इसमें पांच भर लो चाहे इसमें पांच भर लो लेकिन टोटल आपका ज्यादा बैठना चाहिए तो एक तरीके से अगर देखोगे तो भाई मैंने एक ही के अंदर दस भर दिए हैं तो यार अगर आपको लगता है कि आप ग्यारह भर सकते हो वो भी पांच सेकंड में तो भाई आप अपना नाम लिखना उसके आगे लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड ताकि मैं जो आपको इस वाटर गेम को गिव अवे कर सकूं तो भाई इसको रखते हैं इसकी जगह पर और वाक्य में यार ये साइज में भी काफी ज्यादा है देखो तो इसको आराम से भाई इस तरीके से चला भी सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा फैंसी वाली वाटर गेम है अगर ये आपको पसंद आई हो तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है तो भाई साहब ये ले लिया हमने अपना डोरेमोन का ड्रोन और ये देख सकते हो आप इसको भाई फ्लाइंग इंडक्शन एयरक्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं और ये काफी ज्यादा अच्छा उड़ता है तो मैं आपको बता दूं भाई इसके साथ हमारे को देखने के लिए मिलता है एक छुटकुसा बहुत ही प्यारा रिमोट कंट्रोल जिसमें सिर्फ ऑन और ऑफ़ का ही बटन होता है यानी कि इसको दबाओगे तो उड़ने लग जाएगा और इसको जैसी दबाओगे तो भाई ये ऑफ हो जाता है और ये है इसकी चार्जिंग केबल जिससे कि आप इस डोरेमोन वाले ड्रोन को भाई चार्ज कर सकते हो और इसको चार्ज करना भी काफी ज्यादा सिंपल है इसको किसी भी अपने चार्जर में लगा लो और उसके बाद भाई अपने घर के किसी भी चार्जर के साथ इसको चार्ज कर लेना और इस पिन को इस तरीके से लगाना है और ये वाला जो डोरेमोन है अंदर से लाल कलर का जलने लग जाएगा और जैसे वो लाइट्स ऑफ हो जाए तो समझ लेना है पूरा चार्ज हो चुका है तो इसको निकाल लेते हैं भाई हम अपनी केबल को और इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ इसके नीचे इन्फ्रा वाला सेंसर लगा हुआ है जिसके अंदर लाल लाइट जलती है यानी कि अगर आप इसको हाथ भी दोगे ना तो भाई इसको जैसी पता चलेगा टच होने वाला हाथ से ये ऑटोमेटिक ऊपर उड़ने लग जाता है तो इसका भाई ये वाला फीचर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए जो है ना ज़्यादातर लोगों को भाई रिमोट कंट्रोल की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि हाथ के जेस्चर से ही उड़ने लग जाता है तो भाई मैं जो ना आपको सीधा भाई लाइव बताने वाला हूँ तो ये देखो ये बटन मैंने ऑन कर दिया और इसके अंदर देखो भाई नीली लाइट जल रही है ओ भाई साहब यार ये ना हर बार होता होता है मेरे साथ मतलब मैं ना जो भाई इधर देखने लग जाता हूं, और नीचे मेरा ध्यान नहीं होता, इसकी भी हवा काफी तेज आ रही है और इसके अंदर देखो मेटल की टिप लगी हुई है तो यार इसको यार मैं पहले बंद कर देता हूँ भाई मेरे ना ये कसम से उंगली में भाई बार बार पटपट पट पट लग रही है ये देखो आपको ना हल्का हल्का सा इधर एक कट सा फील हुआ होगा तो भाई ये मैं आप लोगों को बता दू इसको बहुत सेफ्टी से उड़ाना ये दिखने में तो भाई चार एकदम प्लास्टिक की पंखुड़ी लेकिन ये स्पीड में चलती है ना तो ये इस वजह से टक्कर बहुत तेज मारती है तो भाई इसको जो है ना कम से कम बीस पच्चीस साल का बंदा उड़ाना ताकि जो बड़े आराम से उड़ सके और ये भाई बीच में इन्होंने मेडल की टिप दे देखी यानी कि अगर ये भी दीवार से टकराएगा तो ये टूटेगा नहीं और ये चार पंखुड़ी वाला चार प्रो पैलर वाला यार इसको तो आप जानते हो अच्छे तरीके से के ये भाई गैजेट के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है और मैं और मेरा छोटा भाई काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं जब भी इसको देखते हैं तो ना अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो भाई ये यहाँ से करते हैं ऑन जस्ट हल्का सा जो है ना आपको ऐसी करना है और जैसे आप ये छोड़ोगे तो ये देखो उड़ने लग जाता है आप जैसे मैं उसको तो छोड़ूंगा या फिर उड़ने लग गया तो ये ना भाई ऐसी होता है ये ऑटोमेटिक उड़ने लगता है तो यार चलो यार एक काम करता है इसको ना लाइव देखते हैं उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसको ना लाइट्स बंद करके भी दिखाऊंगा तो ये कर दिया भाई हमने अपने को ऑन और ये देखो हमारा ड्रोन भाई उड़ने लगा तो, कितना क्यूट लग रहा है यार ये <laughs> तो यार ये देखो भाई इसकी लाइट जो है कितनी बढ़िया जग रही है अभी अंधेरे में देखेंगे कि यार ये अंधेरे में क्या करने वाला है क्योंकि भाई मैं बड़ा एक्साइटेड ओ माय गॉड भाई साहब कतई बवाल भाई रे क्या गजब लग रहा है यार ये ऐसा लग रहा है कोई

उड़ जाता है क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि भाई ये हमारा टच होने वाला है इसीलिए इसका सेंसर काफी अच्छे से काम करता हूँ ये भाई एक दो बार भी अगर दीवार से टकराएगा तो टेंशन मत लेना ये टूटने वाला नहीं है तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा अगर आपको भी पसंद आया तो भाई आपको अपना नाम लिखना है उसके आगे वॉ लिख देना और उसके आगे लिखना है आपको डोरे ड्रोन ताकि मैं चूं आपको इसको गिव अवे कर सकूं तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर भाई अब बारी आती है हमारे यो यो पॉपेट और हमारे भाई एक क्यूब की लेकिन मैं आपका एक डाउट दूर करना चाहता हूं कि ये आपको जो रंग बिरंगा सा क्यूब लिख रहा है कि जिससे कि आप अपना खेल सकते हो एक्चुअल में भाई ये कोई क्यूब नहीं है ये मजाक कर रहा हूं यार मैं आप जो इससे खेल भी सकते हो क्योंकि ये डाइस का काम भी करेगा पासेगा और ये आपके लिए क्यूब का काम भी करेगा और ये एक शार्पनर का भी काम करता है तो चलो भाई मैं आपको इससे पेंसिल छील के दिखाता हूँ तो भाई जैसे मान लो मैंने ये एक पेंसिल अपने हाथ में ले लिया और अब इस पेंसिल को भाई मैं इसके अंदर अच्छे से डाल के छीलने वाला हूँ तो यार वाक्य में मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हमारी पेंसिल छील चुकी है ओ माई गॉड यार एक बार ये इसकी निप देखो यार मतलब वाक्य में यार इसने इतनी अच्छी छीली है कि भाई इससे हैंडराइटिंग काफी ज्यादा अच्छी आने वाली है और भाई इसका जो कूड़ा वगैरह है ना आप सोच रहे कि उसको कैसे निकालेंगे तो कुछ नहीं करना जस्ट सिंपल जो है ना आपको इसको इस तरीके से भाई खोलना है और खोलने के बाद भाई इस तरीके से आप इसको इस तरीके से एक दो बार उंगली से भाई ठोक देना ताकि ये जो इसके अंदर से सारा का सारा डस्ट बाहर आ जाए तो है ना यार ये में कितना ज्यादा अमेजिंग वाला शार्पनर तो भाई मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये पर्सनली तो भाई अगर आपको कोई पसंद आया तो आपको पता ही कि क्या करना है लेकिन उससे पहले एक चीज और कि भाई मैं आपको दिखाने वाला हूं ये हमारा एक शर्ट वाला जिसको टी शर्ट भी कहते हैं एक पॉपेट जो देखो पिंक कलर में व्हाइट कलर में येलो कलर में थ्री इन वन कलर्स में आता है और ये पता भाई बहुत भी ज्यादा प्यारा भी लगता है और यार इसका जो साउंड है भाई काफी ज्यादा बढ़िया आने वाला है तो ये देखो तो देख रहे हो मतलब कि इसी तरीके से ना भाई इसके साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है तो भाई पट पट की इसमें से आवाज़ आती है ना वो ही बहुत ज्यादा मजा देती है और प्लस में ये एक की चैन का काम भी करता है यानी कि आप इसको साइकिल का बाइक का कार का किसी का भी छल्ला बना सकते हो और आप इसको अपने बैग की चैन में भी टांग सकते हो काफी ज्यादा कूल लगता है और बहुत ज्यादा इसका भाई साहब अच्छा लुक आता है तो मुझे भाई ये वाला पॉपेट भी पसंद आया प्लस में मुझे वो क्यूब वाला डाइस वाला जो शार्पनर था वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग लगा अगर आपको दोनों के दोनों पसंद आए तो भाई आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वॉ लिख देना और उसके आगे लिख देना भाई क्यूब एंड पॉपेट ताकि मैं जो आपको ये दोनों की दोनों चीजें गिव अवे कर सकूं अब इसके बाद यू और स्पिनर की बारी भी आने वाली है लेकिन उससे पहले देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज जो कि है भाई बैटमैन वाला स्लैब बैंड और इसको उल्टा करके ना आप अगर लाइन खींचोगे पेंसिल से तो भाई ये बन जाता है एक फुट्टा फिफ्टीन सेंटीमीटर वाला स्केल और ये देखो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है तो काफी ज्यादा अच्छा लुक आता है इसका और इससे भाई आप ना फैन बन सकते हो इसके बहुत बढ़िया वाले और ये हमारा बैटमैन का आ गया इसके अंदर लोगो और अब जो है बैटमैन के लोगों के साथ भी आप इसको भाई अपने हथेली पे इस तरीके से स्लैप कर सकते हो इसीलिए जो है इसका नाम स्लैप बैंड है और पता ये काफी ज्यादा सुंदर लगता है भाई क्योंकि ये जो इन्होंने लाइन बनाई है ना इससे ये एक थ्री लुक में आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्प्रेसिव लगा तो चलो भाई अब इसके बाद बारी आती है हमारे इलेक्ट्रिक शार्पनर की ये भी आपने एक देखा नॉर्मल वाला जो कि फैंसी था और ये है भाई साहब बिजली से चलने वाला यानी मेरा मतलब आप समझ सकते हो कि आप इसको चार्ज भी कर सकते हो लेकिन उससे अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसको अगर बैटरी से यूज करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा तो यार ये वाला जो आप शार्पनर देख रहे हो ना भाई ये अंदर बंदा स्कूबा डाइविंग कर रहा है और जो समरीन डिस्कवर एडवेंचर के लिए निकला हुआ है तो काफी ज्यादा अच्छा है और भाई ये ब्लू एंड व्हाइट कलर का है और अंदर का जो इसका देख रहे हो शार्पनर कितना ज्यादा अच्छा है और ये भाई स्टील का बना हुआ है इसके अंदर का जो ब्लेड है और ये है इसका चार्जिंग स्लोर जहां पर चार्जिंग केबल लगाई जाती है तो इसके बॉक्स में से आपको इस तरीके की चार्जिंग केबल मिलेगी जिसको आपको भाई इस तरीके से अटैच करना है और उसके बाद जो है आप इसको किसी भी चार्जर में लगा के चार्ज कर लेना या फिर सबसे अच्छी ट्रिक कि मेरी तरह जो है ना आप इसके अंदर भाई डबल ए वाली बैटरी यूज कर सकते हो बस आपको इस तरीके से भाई दो सेल डाल ले नॉर्मली और उसके बाद जो है आपको इसको इस तरीके से लॉक कर देना है अब आप इसको यूज कर सकते हो भाई ये देख रहे हो ये काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे है तो इसको यहां पर कर देते हैं ये यहाँ पे ऑफ रहता है यहाँ ये नॉर्मल तरीके से शार्प करेगा और यहाँ पे भाई ये लॉन्ग पॉइंट शार्प करता है काफी तगड़े तरीके से तो ये जो इसकी निप है भाई ये अभी तोड़ लेते ताकि मैं आपको लाइव दिखाऊं कि कि ऑटोमेटिक कैसे शार्प करता है कि सिर्फ पेंसिल डालनी है उसके बाद अपने आप छिलके बाहर आ जाएगा यार इससे ज्यादा अच्छा और हो ही क्या सकता है यार कि आज के जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी मिल रही है हमें तो चलो इसको भाई निप को तोड़ देता हूँ तो यार आप देख सकते हो कि ये वाली जो पेंसिल की नीब हमने अच्छे से तोड़ दी है और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई इसका जलवा तो भाई एक मिनट इसको जो है ना थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं और अब भाई ये देखो आप ऑटोमेटिक छिलने वाली है पेंसिल तो ये देखो भाई इसके अंदर इसको इस तरीके से डालना आपको और ये पता आवाज़ करेगी और ये छीनने लग जाएगी तो इसके अंदर अभी हम पाँच सेकंड गिनेंगे ओ oh माय गॉड भाई एक बार इसका साउंड देखो कितनी तेजी में चल रहा है और ये डस्ट देख रहे हो मतलब भाई ये ट्रांसपेरेंट कांच का बना हुआ है मेरे ख्याल से भाई हमारी जो पेंसिल है वो छिल चुकी है तो भाई ये देखो यार मतलब काफी ज्यादा शार्प निकली है और भाई काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट निकला इसका यानी कि इससे ना ड्रॉइंग की लाइन वगैरह करने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है और ये देखो अंदर कितना बढ़िया यार लग रहा है यार ये ट्रांसपेरेंट है यार मतलब प्लास्टिक का कांच है ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास दे रखा है इसके अंदर और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इसके अंदर डस्ट रखा हुआ अभी ऐसा कर ही नहीं रहा ना कि इसके अंदर से निकाल लो तो यार यही सोच रहोगे आपके भाई इसके अंदर ये जो इतना सारा डस्ट है अगर ये पूरा भर जाएगा तो इसको निकालेंगे कैसे तो पहली बात तो ये कि भाई आप इसको पूरा दिन भर यूज कर सकते हो ये तब भी जो है नहीं भरने वाला क्योंकि काफी ज्यादा इसके अंदर स्पेस दे रखा है और अगर ये भर जाता है तो आपको जो है ना इसको बस इस तरीके से भाई यूं करके घुमाना है और ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा और ये सारा का सारा जो है आप डस्ट डस्टबिन में डाल सकते हो और उसके बाद जो आपको मैं बताता हूं कि आपको इसको वापस से कैसे लगाना है तो भाई इसको आपको इसी जगह पे रखना है और अब जो है ना ये अच्छे से कस चुका है तो ये निकलने वाला नहीं है ये देखो पूरा एकदम अच्छे से टाइट हो गया तो भाई इस पेंसिल को साइड रख देते हैं तो भाई अब मैं आपको दिखाने वाला हूं इसके साथ हमें क्या मिलने वाला है अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये अगर शार्पनर खराब हो गया तो तो भाई हमारे को जो है यार ये बेकार हो जाएगा हम क्या करेंगे उसके बाद तो मैं आपको बता दूं कि इसके साथ भाई इसके बॉक्स में ही नीचे की साइड में ऐसे वाले दो शार्पनर हमें फ्री मिलते हैं ये देखो भाई ये हैं इसके दो शार्पनर जो कि स्टेनलेस स्टील वाले ब्लेड इसके अंदर लगे हुए हैं यानी कि ये वाला छह महीने चलेगा ये भी छ महीने चलेगा और ये तो आपका चलेगा ही छह सात महीने तो यानी कि आपको भाई साहब डेढ़ से दो साल जो है ना ये वाला शार्पनर काफी अच्छे से चलने वाला है और यार ये इलेक्ट्रॉनिक जो शार्पनर है काफी ज्यादा अमेजिंग है भाई इसने मतलब मैं क्या बताऊं मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा भाई इसको ऑफ कर देते हैं अगर आप चार्जिंग की जगह भाई बैटरी से चलाओगे ना इसे तो ये काफी ज्यादा लंबे समय तक चलता है और बहुत अच्छे से चलता है तो यार अगर आपको भी ये पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे लिख देना भाई वाह और उसके आगे लिख देना और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक शॉपनर ताकि मैं चाहूं आपको इस शॉपनर को गिव अवे कर सकूं तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर तो अब बारी आती है भाई साहब हमारे एक बहुत प्यारे वाले स्पिनर की और उसके बाद मैं दिखाने वाला हूं आपको हमारा सुपर हीरो वाला भाई ज्योमेट्री बॉक्स जिसे पेंसिल बॉक्स भी कहते हैं ये देख रहे हो इसके अंदर भाई छोटे-छोटे स्टील के 24 कंचे लगे हुए हैं जो इसको देखो इस तरीके से बहुत तेज से घुमाने वाले भाई पड़ रहा है हमारा और ये देखो हैरी पॉटर की झाड़ू लेके उड़ गया और ये एंजल भी है यानी कि अपने आप में ये एक भाई साहब एंजल है और ये देखो बादलों के ऊपर सवार हो रहा है भाई हमारा डोरेमोन काफी क्यूट है काब बन के दोनों मस्ती कर रहे हैं जी हम सुनिए पता नहीं भाई कहाँ पे घूम रहे हैं बर्फ की वादियों के मजे ले रहे हैं और ये इसकी छोटी सी स्माइल तो चलो ये देखो भाई इसकी टेस्टिंग करने वाले तो वन टू एंड थ्री तो ये जो है भाई देखो कितनी तेजी घूम रहा है काफी ज्यादा इसकी अच्छी स्पीड है और वाक्य में यार मजाक से हटके बहुत तेज़ चल रहा है इस टाइम पता है आपको फील होगा जब भी आपके हाथ आप में आ जाएगा तब इसको आप देखोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से फील होगा अब इसको ना मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ इसकी जगह पर तब भी ये पता चलता रहेगा तो यार आप देख सकते हो अभी भी कितना फास्ट घूम रहा है और भाई इतने में हमने जो अपनी सुपर हीरो वाली एवेंजर्स की तरफ से आने वाली द अमेजिंग स्पाइडर मैन वाली हल्क वाली ले लिए पेंसिल बॉक्स और ये देखो कितना ज़्यादा सुपर लग रहा है ये और यार इसके अंदर हमें मिलता है एक शार्पनर के जिसके अंदर आप दो पेंसिल छील सकते हो एक छोटी भाई निप के लिए एक बड़ी निप के लिए और इसमें पता है पेंसिल छील सकते हो और इसमें आप अपने मोम वाले कलर यानी कि क्रियन छील सकते हो वैक्स क्रियन वगैरह और यहाँ से सारा का सारा डस्ट बाहर आ जाता है तो यार ये फीचर इसके अंदर काफ़ी अच्छा है और ये देखो अभी तक चल रहा है यार ये कमाल है और इसके अंदर भाई मिलता है हमें काफी सारा स्पेस जिसमें हम अपने स्केच पेन रख सकते हो पेंसिल रख सकते हो भाई 15 सेंटीमीटर वाला स्केल रख सकते हो और इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती है एक स्माइली वाली एलईडी टॉर्च जिसको भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइट्स ऑफ करके ताकि आप जो है इसका अच्छे से फीचर्स पता कर पाए और अब इसको मैं दिखाने वाला हूँ भाई इस साइड से तो ये देखो यार कितना ज्यादा थ्री और एच प्रिंट बना रखा है इन लोगों ने और भाई ये हल्क वगैरह स्पाइडरमैन हमारे कितने ज्यादा सली लग रहे हैं इधर जो है आप अपने डी रख सकते हो भाई कंपास रख सकते हो

तो आपको क्या करना था तो भाई चलो लाइट्स को करते हैं ऑफ तो ये कर लिया भाई मैंने ऑन ये देखो भाई कितनी ज्यादा लाउड है कितनी ज्यादा तेज है और अब इसकी सैलियत जो है ना आपको यहाँ पर दिखेगी ये देखो भाई आपको इसके अंदर एक एक चीज दिखने वाली है यानी कि भाई अगर आपको कोई काम अधूरा रह गया या कोई आपका होमवर्क वगैरह रह गया तो आप आराम से इसकी रोशनी में भाई अपना पूरा कर सकते हो और जब आपको वो पूरा हो जाए तो उसके बाद आप इस टॉर्च को यानी कि लाइट को बंद कर सकते हो तो चलो लाइट्स को करते हैं ऑन तो यार ये थी ना काफी ज्यादा मददगार और भाई ये जो स्माइली वाली जो टॉर्च वाली ये पेंसिल बॉक्स है मुझे काफी

ट्रांसफॉर्मर वाली रोबोट वाली वॉच दिखाई है लेकिन इसके अंदर एक फंक्शन हमें बहुत ज्यादा स्पेशल देखने के लिए मिलता है वो है कि इधर से वॉइस में निकलती है प्रोजेक्टर वाली लाइट से देखो ये जैसी मैं बटन दवाऊंगा प्रोजेक्टर लाइट्स निकलते है यानी कि भाई बैटमैन की इसके अंदर 24 फोटो निकलने वाली है वो भी अलग अलग तरीके की और ये देखो ये जब अपने हाथ खड़े करता तो दूध 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 और जब दोनों हाथ खड़े करता तो दु दूदू यानी मशीन गन की तरह ये वॉर करने लगता है और भाई इसका ये पता है कैप वगैरह सब खुल जाता है ये देख रहे हो यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हो ये दो बटन जो दे रखे हैं टाइम वगैरह सेट कर सकते हो देखो जैसे जैसे मैं बटन दबा रहा हूँ वैसे वैसे बताता है कि ए एम हो रहा है पी एम हो रहा है वगैरह अगर आपको टाइम सेट करना है तो आपको दूसरा वाला बटन भी दबाना पड़ेगा और यार इसको पता है भाई रोबोट वाली वॉच बनाने के लिए आपको इसके हाथ पैर अंदर की तरफ करने पड़ते हैं जिसकी मदद से भाई ये बनती है एक तगड़ी वाली रोबोट वॉच और ये देखो भाई इधर से तो ये बन चुकी है और इधर से जैसे ही आप इसके पैर मोड़ दोगे तो ये भाई इधर से भी एक वॉच बन जाएगी तो भाई अब इसको पहन के मैं आपको दिखाने वाला हूँ और इस बैंड को थोड़ी देर के लिए मैं उतार देता हूँ और इसको भाई रख देते हैं हम अपनी इस मॉन्स्टर वाली कार पर और ये देखो यार इसका एक बार लुक तो है ना मतलब कितनी गजब की लग रही है हमारी बैटमैन वाली भाई साहब वॉच और इसकी गर्दन पता ये ना आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो तो ये इसकी गर्दन हो गई भाई पीछे की तरफ में और अब इसकी अगर मेरे को गर्दन ऊपर करनी है तो इस तरीके से भाई इसकी गर्दन ऊपर हो जाएगी और ये यहाँ से भाई आप इसका कैप वगैरह जो है खोल सकते हो बहुत ही आराम से और अब भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी 24 अलग अलग तरीके की फोटो तो भाई चलो भाई रेडी हो जाओ यार अगर तुम उन लोगों को मेरी तरह एकदम असली वाला लाइव फील लेना है तो भाई इसकी गर्दन को एक बार नीचे करना और उसके बाद में इसको ऊपर को उड़ाना तो ये देखो भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उड़ता है वो हमारी तरफ आया तो भाई इसके अंदर काफी ज्यादा यार अलग अलग तरीके के फीचर है मतलब तीन से चार तरीके के तो फीचर मिल जाएंगे पैर देखो यार एकदम भाई असली का रोबोट लग रहा है ये काफी ज्यादा भाई बढ़िया लग रहा है तो चलो यार इसका जरा हाथ को जो है हम ऊपर करते हैं और इसके अंदर प्रोजेक्टर वाली लाइट्स देखते हैं कि इसके अंदर कितनी सारी फोटोज हमें एक्चुअल में मिलती हैं तो लाइट्स को करते हैं ऑफ तो जैसे हम ये बटन दबाएंगे तो भाई हमारे जो है इसमें से निकलने वाली अलग अलग फोटो तो देखो ये आ गया भाई हमारा बैटमैन जिसने बिल्डिंग पकड़ रखी है और ये खड़ा हुआ है भाई साहब और इसको ना आप पता अपने हाथ पे भी देख सकते हो ये देखो लेकिन ना वाइट चीज जितनी होगी ना और जितना ज्यादा भाई अंधेरा होगा उतना ज्यादा चमकता है और इसको जितना मर्जी बड़ा कर लो यार ये काफी ज्यादा अच्छे से दिखता है और ये आपकी दीवार वगैरह पे बहुत अच्छे से दिखेगा तो इसके अंदर भाई बहुत सारी अलग अलग फोटोज मिलते हैं और सारी की सारी भाई इसके अंदर बैटमैन की है ये देख रहे हो भाई कैसे दुश्मनों को मार रहे भिसम भिशुम कर रहा है ये काफी अच्छे तरीके से तो भाई ये देखो यार ये सबसे अच्छी लग रही है यार है ना एकदम मतलब कि भाई किसी ऊंची बिल्डिंग पे बैठा हुआ है और भाई चंद्रमा जो है इसके सर के ऊपर से जा रहा है और देखो कैसे भागता हुआ जा रहा तो यार चलो लाइट्स को करते हैं ऑन ताकि आपके पास आए तो थोड़ी बहुत फोटोज आप भी देख पाओ अगर सारी मैं दिखा दूंगा तो भाई फिर आप लोग क्या देखोगे तो लाइट्स को करते हैं ऑन तो यार थी ना काफी ज्यादा गजब वाली चीज ये तो भाई मेरे को जो है ना ट्रांसफॉर्मर वाली है रोबोट वॉच और ये बैटमैन का स्लैब बैंड दोनों ही पसंद आए अगर आप लोगों को भी भाई साहब बहुत ज्यादा पसंद आया कि जो भाई ये ट्रांसफॉर्मर बन जाती है रोबोट बन जाती है इसके अंदर से प्रोजेक्ट लाइटें निकलती है जो कि आपको अलग अलग फोटो दिखाती है और ये स्लैब बैंड बैटमैन का जो एक अपने आप में फुट्टा भी बन जाता है इसका लोगो अलग से निकल भी

और ये जो है ना आपको मैं बताता हूँ इसको कुछ नहीं करना जैसे आप बचपन में अपने लट्टू वगैरह चलाते थे ना उसी तरीके से योयो -यो चलता है और भाई आपने अपने टाइम पर काफी ज्यादा योयो चलाए होंगे मैंने तो काफ़ी चलाया बस अब मैं नहीं चला पाता तो यहाँ पर जगह कम है तो इसलिए जो बस मैं थोड़ा सा एक हो देता हूँ कि आपको जो है इसको इस तरीके से लपेटना अपनी उंगली में और उसके बाद आपको इसको नीचे को छोड़ना है देखो इस तरीके से आप इसको छोड़ोगे और इसको ऊपर दोबारा खींचोगे तो भाई ये ना इसी के अंदर ऑटोमेटिक घूमता रहता है तो यानी कि ये जो है ना गोल गोल घूम के वापस से इसी के अंदर आ जाता है तो इसीलिए जो है ना इसके साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा भी आता है तो मेरा स्पेस काफी कम है मैं यहां से छोड़ूंगा तो सीधा एक कार से टकरा जाएगा तो इसलिए अगर आपके पास तो स्पेस ही स्पेस होगा तो आप जैसी छोड़ोगे तो जमीन पे जाएगा और ये वापस से रस्सी में अपने आप घूम के ऊपर को आ जाएगा और ये अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है तो यही काफी ज्यादा अच्छा लगता है और भाई ये प्लास्टिक का नहीं है मेटल का है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है तो यार अगर भाई आपको यो यो पसंद आए तो आपको अपना नाम लिखना ना 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 यो, यो यो ताकि आपके घर तक ये गिव अवे हो सके तो भाई ये आज का कलेक्शन कतई ही बवाल था बहुत ही ज्यादा गजब का था तो अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया तो भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ज्यादा से ज्यादा करें इसको शेयर और अगर एक से ज्यादा लाइक्स आते हैं इस पर भी तो भाई ये पूरा का पूरा कलेक्शन कर दिया जाएगा दस में से किसी एक बंदे को गिव अवे और अगर बहुत अच्छे कमेंट आते हैं तो भाई पहले जो पंद्रह कमेंट होंगे उनमें से किसी दो बंदों को करेंगे ये सारा का सारा कलेक्शन गिव अवे तो भाई बारी आती है अब उन दस लोगों के शॉर्ट आउट की जिनको मिलने वाला मेटल वाला हेलीकॉप्टर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था तो चलो भाई शॉर्ट आउट देते हैं तो यार ये है वो दस नाम महीप तिवारी अली आशीष खुश कंकड़िया आयुष अजोय बर्मन सचिन विजय सक्सेना ओहंग राय अब्दुल हादी सूरज राज प्रियोम चंद्रा तो भाई इन दस में से आज किसी एक बंदे को ये भाई थ्री वाला कॉम्प्रिहेंसिव फ्लाई करने वाला मेटल वाला हेलीकॉप्टर जो कितना बड़ा यार ये देखो ये इसने मेरा पूरा का पूरा कलेक्शन रख दिया और ये प्रॉपर मेटल का बना हुआ है और इस सिग्नेचर देखो यार कितने कूल लग रहे ना हेलीकॉप्टर लिखा हुआ है सिग्नेचर वाली लाइन में और काफी ज्यादा बड़ा है भाई ये मैं आपको बता रहा हूँ ये आप मेरी उंगली से अंदाजा लगा लो कि भाई ये काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है तो वाक्य में काफी ज्यादा बड़ा है और इस हिस्से में भाई इसका चार्ज और इसका रिमोट कंट्रोल वगैरह होने वाले हैं और ये पकड़ने में भी काफी ज्यादा आसान है तो आपके लिए कैरी करना भी बहुत ज्यादा आसान रहेगा तो भाई ये आज जो है ना दस बजे किसी एक बंदे को मिलने वाला तो उस बंदे की होने वाली है काफी ज्यादा बल्ले बल्ले और उनके आने वाले काफी ज्यादा अमेजिंग वाले मजे तो भाई अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल किए सब्सक्राइब बाजू में दिखे, बैल अक दबाएं ताकि आने वाले जितने हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं आप लोग सबसे पहले देख तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों